हमको आके बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा है? बहुत अच्छा, सिर्फ बहुत अच्छा। अच्छा अभी इसको ये अच्छा, एक लाइन का थोड़ा मीन्स थोड़ा 50-60 वाट बना के बोलिए। हमको यहाँ के बहुत अच्छा लगा। ये लताओं में नामसाई डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश का है, बहुत ही सुंदर जगह है। ये जो स्टेचू है वर्ल्ड का बहुत लार्जेस्ट स्टेचू में से भी आता है। उसके बाद आप लोग आइए, जो भी आएंगे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन रास्ता थोड़ा सा खराब है, हाईवे बहुत अच्छा है, उसके बाद अचानक से रास्ता। लेकिन उसके बावजूद भी बीच में जो जो चाय पत्ती जो बागान है बहुत ही सुंदर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शायद 60 वाट से भी ज्यादा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, फिलहाल मैं हूँ एयरपोर्ट तेजू के सामने, तेजू एयरफील्ड बोलते इसे, और तेजू टाउन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। और इस जगह से तेजू टाउन ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही सुंदर पीछे मेरे बैकग्राउंड में जो दिख रहा है, और यहाँ पे जो आपको एक जो होर्डिंग दिख रही है वहाँ पे शायद आपको दिखेगी पाया हुनली रोइंग सद्या घाट अनिनी एतालिन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिखाई, वो है नमसाई डिस्ट्रिक्ट। तो यहीं से होकर हम लोग नमसाई डिस्ट्रिक्ट जाएंगे और आपको आज दिखाएंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही मज़ेदार बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस, जिसका नाम है धम्मा हिल, और पॉपुलरली इसे लाल पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो लाल पहाड़ किस लिए पॉपुलर है आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं धम्मा हिल, लताओ, नमसाई डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश, ब्यूटीफुल अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि ये नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। लताओं में एग्जैक्ट लताओं में ये है चाय पत्ती फैक्ट्री, और आगे फॉरेस्ट गेट है। तो वो भैया से पूछते, भैया थोड़ा सा रुकिए ना, ये कितना दूर है ये वो बुद्धा का स्टेचू वो लेने के लिए? 5 किलोमीटर। रास्ता कैसे है? रास्ता पत्थर, इतना मुश्किल तो नहीं है ना? मुश्किल तो नहीं है। तो आपका नाम बता दीजिए तब। इधर देखिए तो, क्या नाम है आपका? तागु। तागु, कैसा है वो जगह देखने के लिए? आप गया है? हाँ मैं। वो मंदिर वो बुद्ध का वो गया। कैसा है देखने में? अच्छा है। अच्छा है, होगा भैया। तो ये भैया थोड़ा शर्मा रहे थे, और मेरे जो साथ में जो हैं उनको जी, आप कुछ बोलिए, क्या नाम है? सुनील शर्मा। सुनील, तो पहले आप गए हो? पहले नहीं। तो कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? अभी यहाँ तक आके तो कुछ फील नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो आना जाना होता ही नहीं। तो जाके देखते हैं क्या होगा। रास्ता भी दिखाई दे रहा है कि अच्छा खास तो नहीं जी जी, लेकिन वहाँ पे हो सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जी। एक बंदा है क्या हो रहा है? डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एटलीस्ट मेरे कैमरा के आगे तो वो खोल दीजिए। ठीक है, खोल दिए। हाँ, कुछ बोलिए। हम लोग जा रहे हैं लताओ बुद्ध टेम्पल, जो कि अभी हम लोग तिनाली में पहुँच चुके हैं। यहाँ से अभी पूरा कच्चा रास्ता है, थोड़ी तकलीफ है, रास्ता खराब है, आगे जाके
अभी देखते हैं आगे कैसा रास्ता है। चल तो श्योर तो नहीं बोल सकते लेकिन मेरा ख्याल से तो रास्ता खराब होना चाहिए। तो उसके बाद वहाँ जाने के बाद देखते हैं टेम्पल बंदर जो कितना बना है या नहीं बना है, देखते हैं आगे। जो होते हैं जहाँ पे रास्ता अच्छा नहीं होता, और फिलहाल तो स्कूटी गाड़ी के लिए ठीक ठाक ही है। ऐसे यहाँ से चाय पत्ती दिखाई दी है, बहुत दूर तक फैली हुई है चाय पत्ती जो शायद आपको दिख रही है। और आगे जो रास्ता है फिलहाल स्मूथ है, ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फाइनली हम पहुंच गए। जैसे आप देख सकते हो मेरे आगे पीछे बहुत सुंदर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, बहुत सुंदर प्लेस है। लेकिन मैंने आपको जो कहा था कि जो स्टैचू है, जो मंदिर है, जो बुद्ध स्टैचू है, वो आपको जरूर दिखाएंगे। और आपको हम दिखाते हैं वो नज़ारा, और नज़ारा है ये। तो ये इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है कि एक ही बार कैमरे में भी नहीं आता। तो आपको दिखाते हैं, पापू का भी खींच दीजिए ना, पापू का भी खींच दीजिए ना। मुझे मालूम नहीं था, अभी पापू ने कहा कि वो बहुत बार आ चुके हैं। पापू तो शायद आप हमारे साथ आना भी नहीं चाहते थे शायद, अगर आपको तो। लेकिन बोले तो अभी कैसा फील हो रहा है कि आप बहुत बार आ चुके हो, आज फिर लेके आया आपको? अच्छा लग रहा है, जगह और शांति जगह है तो अच्छा लगता है। लेकिन हम जब लास्ट टाइम आए थे तो जैसा देखा था वैसा ही है, कुछ भी काम में प्रोग्रेस नहीं हुआ है। क्योंकि उन लोग के हिसाब बताया था कि 2 ईयर के अंदर शायद ये कंप्लीट होने का बताया था, तो 2 ईयर के अब और बहुत ज़्यादा साल लगने वाला है। मे बी ड्यू टू कोरोना शायद। ओके, हाय फ्रेंड्स, तो मेरे पीछे जो है वो है इंडिया का लार्जेस्ट बुद्ध स्टैचू, जो कि लथाओ से कुछ किलोमीटर दूर है, यानी लथाओ से कुछ किलोमीटर अंदर है। ये नमसाई डिस्ट्रिक्ट में है, नमसाई मेन टाउन से कुछ दूर पर है। जब आप आते हैं तो लथाओ से कुछ दूर अंदर आना होगा। रास्ता भी ठीक ठाक ही है, लेकिन वही है कि यहाँ पे जो रास्ता है जो उबड़ खाबड़ है। लेकिन आराम से अगर आपके पास गाड़ी है, बाइक है, आराम से आ सकते हो। मुझे किसी ने बताया कि ये जो स्टैचू है इंडिया का शायद लार्जेस्ट बुद्ध स्टैचू है,
और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भी लार्जेस्ट स्टैचू है, शायद इन एंटायर वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट स्टैचूज में से गिना जाता है। तो कंप्लीट तो हुआ नहीं, लेकिन कंप्लीट होने के बाद नामसाई टूरिज्म को बहुत ही अच्छा एक बूस्ट मिलेगा। तो जब भी आप आते हैं, एक रिक्वेस्ट है आपसे, यहाँ गंदगी ना करें, गंदगी कचरा ना फैलाएं। कुछ खाने के लिए लाते हैं, कुछ पीने के लिए लाते हैं, रैपर्स जो भी हुआ, वाटर बॉटल हुआ, पैकेज वाटर बॉटल हुआ, उसको अपने साथ ले जाएं। और कहीं जो भी जो वेस्टेज यानी डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे फेंक दीजिएगा, डस्टबिन है वहाँ पे फेंक दीजिए, बस इतना ही कहना है। डाल के आप ले जा के कहीं डम कर दीजिए, बस ये बताना चाहूँगा। तो जैसे कि दोनों भाई का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पापू ने कहा कि वो अपना ड्यूटी बंक करके आया है, तो एक चीज तो मालूम चली जाए कि आज का जो दिन है, कौन सा दिन में आया वो तो मालूम नहीं होगा, जब ये लाइक ये जो ब्लॉग में जाएगा वो भी मालूम नहीं होगा कौन सा दिन में, लेकिन जिस दिन ये आया था उस दिन इसने ड्यूटी बंक करके आया है, तो ये मालूम चला। तो आप जानते हैं स्कूल बंक करते हैं, यहाँ में हम लोग के जो एक भैया है वो अपने ड्यूटी बंक करके आ गए, तो जैसे कि मैंने कहा था कि जब हम चोंगखम की बात करते हैं, जब हम नमसाई डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, और यहाँ के जो ट्राइब्स होते हैं, पर्टिकुलरली ताई खामती सिंगफू जो कम्युनिटी है वो रिसाइड करते हैं, यहाँ के मेजर ट्राइबल्स हैं वो है ताई खामती एंड सिंगफू। फिर नामसाई डिस्ट्रिक्ट की जब बात करते हैं, तो छोटे छोटे गांव में अब आपको बहुत सारे पगोडास एंड स्तूपास मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग ताई खामती सिंगफू जो है बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज़्म को मानते हैं, थेरावादा बुद्धिज़्म को मानते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हो ये जो स्टैचू है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लंबा है, बहुत ही ह्यूज है। तो आने वाले दिनों में जब ये कम्प्लीट हो जाएगी, ये जब कम्प्लीटली कलर्ड हो जाएगा और डेकोरेट हो जाएगा, तो आई एम श्योर आने वाले दिनों में नमसाई टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बूस्ट मिलेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ माई ब्लॉग, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आई बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग, टिल देन इंजॉय, हैव फन, बी सेफ एंड ऑलवेज मेक मेमरीज। मेक मेमरीज मीन्स ऑलवेज मेक गुड मेमरीज।